इसका उल्टा इसमें रहता है, तो साइड कितना, तो साइज नॉर्मल हो जाएगा दोनों साइड। इस तरह से ये था हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन उसको ओलिगोमेरिक प्रोटीन भी बोलते हैं। जिस प्रोटीन में एक से ज्यादा चेन हो उसको ओलिगोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन ओलिगोमेरिक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन ओलिगोमेरिक प्रोटीन है, प्रोटीन आई मीन मोर देन वन चेन। हीमोग्लोबिन में चेन एक से ज्यादा, इसको ओलिगोमेरिक प्रोटीन भी बोलते हैं। हर चेन को बोलेंगे ऐसी प्रोटीन जिसमें एक से ज्यादा चेन हो, ओलिगोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन एग्जांपल है, ईच चेन इज कॉल्ड प्रोटोमर। हर चेन को प्रोटोमर बोलेंगे। मैंने अभी क्या करवाया है, आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप होते हैं वो बाद में लेऊंगा, पहले आरबीसी कंटिन्यू ही समझो। पहले बीच में एक ब्लड क्लोटिंग का टॉपिक लगा रहा हूं, फिर दोबारा आरबीसी पे आऊंगा। मैं ब्लड क्लोटिंग का टॉपिक ले रहा हूं, मैं जो है ब्लड क्लोटिंग, चोट लग जाती है, खून बहता है, फिर खून रुक जाता है, खून जहां रुका वहां पे क्लोट बन गया, इसको ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। चोट लगती है तो क्या बन जाता है, चोट लगती है खून बहता है, थोड़ी देर के बाद खून रुक जाता है और वहां पे क्लोट बन जाता है, इसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। चोट लगने के बाद क्या बन जाता है, चोट लगने के बाद ब्लड क्लोट हो जाता है, खून जम जाता है, चोट लगने के बाद में ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, खून जम जाता है। कैसे जमता है, थ्योरी है एंजाइम कास्केड थ्योरी। तो साइंटिस्ट है मैकफारलेन, गिवन बाय एक साइंटिस्ट है जो क्या कर रहा है, साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट है जिसने बताया खून जमता कैसे है, अपनी थ्योरी का नाम रखा एंजाइम कास्केड थ्योरी। साइंटिस्ट का नाम है मैकफारलेन, इसने एंजाइम कास्केड थ्योरी नाम से थ्योरी दी है। पूरा मैंने बताया ब्लड क्लोट कैसे होता है, ब्लड क्लोटिंग खून जमने में, ब्लड क्लोटिंग रिक्वायर 13 क्या बोलना चाहिए फैक्टर्स। ब्लड क्लोट होने में, खून जमने में 13 फैक्टर की जरूरत होती है। दीज 13 फैक्टर्स आर फॉर्म इन लीवर। खून जब जमता है तो 13 फैक्टर की जरूरत होती है, 13 फैक्टर को लीवर में बनते ही 13 फैक्टर में लिस्ट बनाऊंगा। जो 13 फैक्टर है खून के जमने के लिए जरूरी है, लीवर में बनते हैं, और विटामिन के की जरूरत होती है इन फैक्टर के बनने के लिए। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर दीज फैक्टर्स, फॉर दीज फैक्टर सिंथेसिस।
इन फैक्टर के बढ़ने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। अब मैं डिटेल कराता हूं, अब डिटेल लेते हैं। जब इंजरी होती है तो प्लेटलेट से बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जब इंजरी होती है प्लेटलेट से बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू से भी बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन आफ्टर इंजरी। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज फॉर्म फ्रॉम इंजर्ड एरिया एंड प्लेटलेट्स। फ्रॉम बोथ, जैसे मेरे यहां कट लग जाए लोहे का, ब्लड बहने लग जाएगा, तो दो दो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेंगे, एक प्लेटलेट से बनेगा एक इंजर्ड एरिया से बनेगा। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन ये वाली और ब्लड की प्रोटीन जुड़ के एक एंजाइम बनाएंगे प्रोथ्रोम्बिनेज। बोथ थ्रोम्बोप्लास्टिन विद ब्लड प्रोटीन्स एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स। ये करो पहले, तो मैंने क्या बताया, जब इंजरी हुई तो वहां पे थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट ने बनाया और बॉडी टिश्यू ने बनाया। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड प्रोटीन के साथ जुड़ के और कैल्शियम के साथ जुड़ के एक्टिवेट कर दे प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को। प्लेटलेट की थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू की थ्रोम्बोप्लास्टिन, ब्लड की प्रोटीन, कैल्शियम, चारों मिलकर दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट और प्लेटलेट की और टिश्यू की थ्रोम्बोप्लास्टिन, दो तो की थर्मोप्लास्टिन, तीसरा होगा कैल्शियम, चौथा ब्लड प्रोटीन, इन्होंने एक्टिवेट कर दिया प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को। और ये एंजाइम क्या करेगा ये बताना है। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इनएक्टिवेट हीपेरिन। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम हीपेरिन को इनएक्टिव कर देगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो थी प्लेटलेट की टिश्यू वाली, कैल्शियम मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेट हुआ, इसने हीपेरिन को इनएक्टिव कर दिया, क्योंकि हीपेरिन खून को जमने नहीं देगा, पर इसको इनएक्टिव करना पड़ेगा। अब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ब्लड प्रोटीन स्टार्ट करेगा। मैंने तुम्हारा को बता रखे दो प्रोटीन होती ब्लड प्रोटीन में काम आती है, नाम बताया होगा मैंने। पहला स्टेप प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, इसके ऊपर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम काम करेगा। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम काम करेगा, थ्रोम्बिन बन जाएगी, बाद में फिब्रिनोजन प्रोटीन होती है, इसमें थ्रोम्बिन काम करेगा, फिब्रिन बन जाएगी और फिब्रिन से ब्लड क्लॉट बनेगा। समझे, क्या बताया मैंने, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करेगा, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन चेंज करेगा।
ये दोनों लीवर की प्रोटीन है। लगभग प्रोटीन जो ब्लड प्रोटीन में काम आते हैं लगभग लीवर की होती है, और ये ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। कभी कराऊंगा मैं, प्लाज्मा नहीं करवाया मैंने, प्लाज्मा कराऊंगा तब बताऊंगा। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन प्लाज्मा में होती है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन के ऊपर काम करता प्रोथ्रोम्बिनेज़ एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिन को, इसका नाम ही प्रोथ्रोम्बिनेज़ है, प्रोथ्रोम्बिन में काम करता थ्रोम्बिन बना देगा, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन फिब्रिन बना देगा। क्वेश्चन आता है कौन सी प्रोटीन ब्लड प्रोटीन काम आती है, दो तो ये होगी लीवर की। क्वेश्चन ये भी आता है ब्लड क्लॉट किस प्रोटीन का बना होता है, फिब्रिन का, इन तीनों का नहीं बना होता, फिब्रिन का क्लॉट। तुम्हारे चोट लगी हुई है और ब्लड वाली जगह पे लाल लाल सा एरिया बन गया, लाल लाल हमारे गांव में तो खुरंड बोलते हैं, जो तुम कुछ और बोलते हो रेवाड़ी साइड में, तो वो रेड रेड सी कवरिंग आ गई, वो किस चीज की कवरिंग है, वो फिब्रिन की कवरिंग है। चोट लगने के बाद लाल लाल कवरिंग आ गई, वो फिब्रिन की कवरिंग है, तो ब्लड क्लॉट फिब्रिन से बनता है। अब मैं 13 फैक्टर के नाम लिखा रहा हूं जो ब्लड प्रोटीन में काम आते हैं, ये समझ गए ना। मैंने प्लेटलेट में बताया था ना ब्लड प्रोटीन में काम आते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे काम कर रहा है ब्लड प्रोटीन में, देखो आज थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट से बनता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम वर्कमेट करता है, और ये दोनों प्रोटीन ब्लड प्रोटीन कैसे काम आती है वो देख लो आज, इवेनिंग को काम नहीं कर रहा वो भी देख लिया हमने। तो याद रखना थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करती है कैल्शियम के साथ, प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में ब्लड क्लॉट बन जाएगा, ऐसे खून रुक जाता है। और देखो 13 फैक्टर के नाम बता रहा हूं मैं कौन कौन सा ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। इसको बोलते हैं फैक्टर फर्स्ट, फिब्रिनोजन को बोलते हैं फैक्टर फर्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन को बोलते हैं फैक्टर सेकंड, फिब्रिनोजन को फैक्टर फर्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन को फैक्टर सेकंड, थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको बोलेंगे फैक्टर थर्ड। रानी वो भाई साहब आ गए करोना ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजन को बोले फैक्टर फर्स्ट, फिब्रिनोजन को बोले फैक्टर फर्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन को बोलेंगे फैक्टर सेकंड, फिब्रिनोजन फर्स्ट प्रोथ्रोम्बिन सेकंड, थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड, कैल्शियम फोर, प्रोएक्सेलरिन प्रोएक्सेलरिन और लेबाइल फैक्टर, प्रोएक्सेलरिन और लेबाइल फैक्टर, फैक्टर फाइव एक्सेलरिन, फैक्टर सिक्स एक्सेलरिन, फैक्टर सिक्स SPCA सीरम, सीरम बताऊंगा क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन, एक्सेलरेटर यानी मास्क रखा गया ना जो सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरेटर, ये फैक्टर सेवन है। ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्जन करने में काम आता है, परवल प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में काम आता है, इसलिए नाम है SPCA AHF फैक्टर एट। इसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिया फैक्टर, एंटी हीमोफिलिया फैक्टर।
फैक्टर एट, पांच और बच गए जब ये हीमोफिलिया को रोकता है, एंटी हीमोफिलिया फैक्टर हीमोफिलिया को रोकता है, इसकी कमी से हीमोफिलिया ए हो जाती है। हीमोफिलिया सुना होगा ना, खून चोट लग जाती है, खून रुकता ही नहीं है, बहता रहता है, तो खून चोट लगने के बाद खून बहता रहता है, रुकता नहीं है। हीमोफिलिया बीमारी में चोट लगने के बाद खून बहता रहता है, रुकता नहीं है, और ये फैक्टर की कमी हो जाती है, फैक्टर एट की कमी हो जाती है। पीटीसी फैक्टर नाइन, पीटीसी का मतलब है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, नौ हो गया। टेन स्टुअर्ट फैक्टर, स्टुअर्ट साइंटिस्ट होता है फैक्टर टेन। पीटीए प्लाज्मा थ्रोमोप्लास्टिन जो है उसका पार्ट है, प्लाज्मा थ्रोमोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ये फैक्टर होगा इलेवन। फैक्टर इलेवन हो गए। और हेगमैन फैक्टर, हेगमैन ने बताया फैक्टर ट्वेल्व, और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर एफ एस एफ, इसको लाकी लैरन फैक्टर बोलते, लाकी लैरन के नाम पे जो है लाकी लैरन फैक्टर, इसको फैक्टर थर्टीन बोलते हैं। ये थर्टीन फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। तो ये था ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म, ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर। अब आते हैं आगे, दो होते हैं, एक होता है एम्बोलस, एक होता है थ्रोम्बस। ब्लड के अंदर खून जम जाए तो ब्लड क्लॉट बोलते हैं। ब्लड क्लॉट जहां है वहीं बना है, एक एक ब्लड क्लॉट दूसरी जगह से ट्रांसफर हुआ है उसको एम्बोलस बोलेंगे, और एक जहां है वो वहीं बना ही है, ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ट्रांसफर्ड क्लॉट। जो ब्लड का क्लॉट है, खून जमा हुआ है, वो कहीं से ट्रांसफर होता है तो एम्बोलस बोलेंगे, ये डेंजरस है, क्योंकि ये क्लॉट कहीं पर भी दिक्कत कर सकता है। जो अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा रही हो, ये एम्बुलेंस बन गया तो स्ट्रोक हो जाएगा, हट मतलब ब्रेन कोमा में आ जाएगा ये। और ये क्लॉट ये ट्रांसफर नहीं है, फॉर्म हुआ है इन द ओरिजिनल प्लेस, जो जहां है वही बना है, तो इसको थ्रोम्बस बोलेंगे। एक ब्लीडिंग टाइम होता है, एक कोगुलेशन या क्लॉटिंग टाइम होता है, कोगुलेशन या क्लॉटिंग टाइम, ये लिख लो फिर आगे लेता हूं। मुझे ये एम्बोलस है, ये थ्रोम्बस है, ये ब्लीडिंग टाइम है, कोगुलेशन टाइम, चोट लगाई हमने ऐसे पिन मारी, ब्लड बहने लगा, कितने समय तक ब्लड रहेगा, बहता रहेगा, सब ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं, एक से तीन मिनट, एक से तीन मिनट तक ब्लड बहता रहेगा, फिर तुमने हाथ लगा लिया, ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। कितने टाइम में बनेगा, तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है दो से आठ मिनट,
तो इस तरह से हम बोलते हैं ये होता है। अब मैं लेता हूं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट्स प्लेटलेट सिर्फ मैमल में ही प्लेटलेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वी यूज प्लेटलेट टर्म इन मैमल ओनली। मैमल के अलावा कहीं प्लेटलेट वर्ड यूज नहीं करते हम, जो सिर्फ प्लेटलेट वर्ड यूज करते हैं मैमल में। जो इसके बनने को बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट के बनने को थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। प्लेटलेट के बनने को बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। प्लेटलेट ज्यादा हो जाए पहले टोटल प्लेटलेट काउंट कितनी होगी? टोटल प्लेटलेट काउंट के 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख या 4 लाख। चार लाख साढ़े लाख 4 लाख कोई फिक्स हो नहीं है। तो मैंने क्या कहा तीन वर्ड आते हैं। ये टर्म मैंने पता नहीं कराई थी नहीं कराई थी। एक होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और एक होती है डीएलसी। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। एक एमएम एरिया में जितने आरबीसी होते हैं उसको टोटल आरबीसी काउंट बोलते हैं। एक एमएम एरिया में जितने डब्ल्यूबीसी होते हैं उसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं, टीएलसी बोलते हैं। एक एमएम एरिया में जितनी प्लेटलेट होती है उसको टोटल प्लेटलेट काउंट बोलते हैं। एक एमएम में बार बार लिखवा नहीं रहा हूं, तुम खुद लिख लो। जो एक एमएम एरिया में जितनी आरबीसी होते हैं उसको टोटल आरबीसी काउंट। एक एमएम एरिया में जितने डब्ल्यूबीसी होते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। एक एमएम एरिया में जितने प्लेटलेट होते हैं टोटल प्लेटलेट काउंट। टोटल आरबीसी काउंट कितना था? टोटल आरबीसी काउंट 5,50,000। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट था 5,000 से 10,000। टोटल प्लेटलेट काउंट लगभग 1.5 लाख से बोल रहे हैं। टोटल प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से ऊपर है। रेडी? टोटल आरबीसी काउंट है 5 लाख, टोटल 50 लाख। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट 5 से 10 हजार। टोटल प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख। अब बताओ हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में कौन सी है? आरबीसी। दूसरे पे प्लेटलेट, तीसरे पे डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन आता है आरबीसी और प्लेटलेट में क्या रेशियो है, किस अनुपात में ये मिलते हैं, किस रेशियो में मिलते हैं? ये 5,000, ये 5 लाख, कितना 1,000 गुना ज्यादा हो गया, 50 लाख और 5,000। 5,000 को 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे, 50 लाख आएगा। तो 1,000 टाइम ज्यादा आरबीसी डब्ल्यूबीसी से 1,000 टाइम ज्यादा होते हैं, लेकिन बीच का है 5 से 10 हजार यानी 7,500। तो लगभग 1,700 एवरेज लिख देंगे। जो क्या है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की रेशियो 1:1,000 की बजाय 750 लिख दो, क्योंकि 5,000 थोड़ी है, 7,000 के पास एवरेज डब्ल्यूबीसी।
रेशियो है आरबीसी और आरबीसी की और डब्ल्यूबीसी की रेशियो है वन, अगर एक डब्ल्यूबीसी मिलेगा तो वहां पर 750 आरबीसी मिलेगी। टोटल प्लेटलेट काउंट की रेशियो क्या है, टोटल प्लेटलेट काउंट की रेशियो, टोटल प्लेटलेट काउंट की रेशियो कि 1.5 लाख अगर 2.5 लाख एवरेज ले लो तो 5 लाख आरबीसी, 2.5 लाख, 50 लाख आरबीसी, ये 2.5 लाख, तो इनकी रेशियो होगी 1:20। अगर 50 लाख आरबीसी है तो 2.5 लाख प्लेटलेट है, तो एक प्लेटलेट मिलेगी तो वहां 20 आरबीसी मिलेंगे, एक डब्ल्यूबीसी है तो वहां 750 आरबीसी मिलेंगे। तो ये क्या है, टोटल प्लेटलेट काउंट। एक एमएम एरिया में जितनी प्लेटलेट होती है उसको टोटल प्लेटलेट काउंट बोलते हैं, एक एमएम एरिया में जितने डब्ल्यूबीसी होते टोटल लोकोसाइट काउंट बोलते हैं, और आरबीसी काउंट एक एमएम एरिया में जितने आरबीसी होते टोटल आरबीसी काउंट बोलते हैं। बता दी थी मैंने 50 लाख मेल में थी, 45 लाख फीमेल में थी, एनसीआरटी डाटा अलग ले रखा हूं, बाद में कराऊंगा। डीएलसी का मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, अलग अलग डब्ल्यूबीसी की परसेंटेज, इसको डीएलसी बोलते हैं। 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी उनकी परसेंटेज, मोनोसाइट कितना है, लिम्फोसाइट कितना है, इओसिनोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है, इन सबकी परसेंटेज को डीएलसी बोलते हैं। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, अलग अलग डब्ल्यूबीसी की काउंट कितनी है, कितनी परसेंटेज है उनकी, जो उसको डीएलसी बोलते हैं। खुद लिख लो जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, अलग अलग डब्ल्यूबीसी की परसेंटेज को डीएलसी बोलते हैं। ये टोटल प्लेटलेट काउंट है, इससे ज्यादा हो जाए तो क्या बोलोगे, जैसे आरबीसी, आरबीसी ज्यादा हो जाए टोटल आरबीसी काउंट से तो उसको पॉलीसाइक्लेमिया बोलते हैं। आरबीसी ज्यादा हो जाए नॉर्मल से तो पॉलीसाइक्लेमिया बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाए उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते थे, प्लेटलेट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस, मोर प्लेटलेट्स देन टोटल प्लेटलेट काउंट। पॉलीसाइक्लेमिया मोर आरबीसी, ये मोर डब्ल्यूबीसी, देन नॉर्मल, देन नॉर्मल काउंट। आरबीसी नॉर्मल से ज्यादा हो जाए टोटल आरबीसी काउंट से ज्यादा हो जाए तो पॉलीसाइक्लेमिया, डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस, प्लेटलेट ज्यादा हो जाए थ्रोम्बोसाइटोसिस, साइटोसिस वर्ड लगा लें, ल्यूकोसाइटोसिस थ्रोम्बोसाइटोसिस, नॉर्मल से ज्यादा हो गए, नॉर्मल से कम हो जाए तो ये नॉर्मल से कम हो जाए तो बोलते ल्यूकोपेनिया। आरबीसी ये तो डब्ल्यूबीसी कम हो गए, आरबीसी कम हो जाए तो एथ्रोसाइटोपेनिया, डब्ल्यूबीसी आरबीसी लेस है, आरबीसी का नंबर नॉर्मल से कम हो जाए तो एथोसाइटोपिनिया बोलेंगे, आरबीसी कम हो जाए नॉर्मल से कम एथोसाइटोपिनिया, पिनिया वर्ड लगा दीजिए, डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो ल्यूकोपिनिया बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोपिनिया भी बोलते हैं, प्लेटलेट नॉर्मल से कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लेस प्लेटलेट्स, एथोसाइट नॉर्मल से कम हो जाए ये प्लेटलेट लेस होगी, नॉर्मल से देखो नॉर्मल से आरबीसी काउंट जो नॉर्मल वैल्यू है 50 लाख थी उससे ज्यादा हो जाए तो पॉलीसाइक्लेमिया, कम हो जाए तो पीनिया लगा दो एथोसाइटोपिनिया, डब्ल्यूबीसी 5 से 10 हजार नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट है उससे ज्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस, कम हो जाए तो पीनिया ल्यूकोपीनिया। उसी तरह से प्लेटलेट की वैल्यू ये है इससे ज्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
थ्रोमोसाइटोसिस पे थ्रोमोसाइट ज्यादा हो जाती है, थ्रोमोसाइटोपिनिया में थ्रोमोसाइट कम हो जाता है, पीनिया मतलब कम, साइटोसिस मतलब ज्यादा। प्लेटलेट नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा थ्रोमोसाइटोसिस, प्लेटलेट नॉर्मल से कम हो जाएगा थ्रोमोसाइटोपिनिया, ज्यादा तो थ्रोमोसाइटोसिस, कम तो थ्रोमोसाइटोपिनिया, नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मल वैल्यू को टोटल आवश्यक प्लेटलेट काउंट बोल रहे हैं, नॉर्मल प्लेटलेट को हम टोटल प्लेटलेट काउंट बोल रहे हैं, उससे ज्यादा हो जाए तो थ्रोमोसाइटोसिस, कम हो जाए तो थ्रोमोसाइटोपिनिया। उसी तरह आरबीसी में भी और डब्ल्यूबीसी में लगा रहे थे साइटोसिस और साइटोपिनिया जो मैं लगा दिया है। ल्यूकोसाइटोसिस में ल्यूकोसाइट ज्यादा होगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया में ल्यूकोसाइट ज्यादा तो ल्यूकोसाइटोसिस, कम हो जाए तो ल्यूकोसाइटोपिनिया, पिनिया और साइटोसिस लगा दिया। आरबीसी ज्यादा हो जाए तो एथोसाइटोसिस, एथोसाइटोसिस नहीं पॉलीसाइटोपिनिया, कम होने के लिए पीनिया। प्लेटलेट ज्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट ज्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, साइटोसिस पीनिया। आरबीसी के प्लेटलेट के लिए होगा ज्यादा थ्रोम्बोसाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस कम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइट ज्यादा, ल्यूकोसाइटोसिस कम, पीनिया। आरबीसी कम तो एथोसाइट कम है तो एथोसाइटोपिनिया, ज्यादा तो पॉलीसाइटोपिनिया। अब आगे ले रहा हूं, अगर प्लेटलेट का नंबर 40,000 से कम हो जाए, 40,000 वैल्यू को बोलते हैं काना, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ प्लेटलेट 40,000, प्लेटलेट की क्रिटिकल वैल्यू है 40,000, प्लेटलेट की क्रिटिकल वैल्यू है 40,000, इससे अगर कम वैल्यू हो जाए तो स्किन पे धब्बे पड़ जाएंगे। इफ प्लेटलेट्स नंबर इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, देन स्पॉट ऑन बॉडी, देन स्पॉट्स आर फॉर्म ऑन द बॉडी, अगर प्लेटलेट 40,000 से भी कम हो गई तो स्किन पे स्पॉट पड़ जाएंगे, इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड परप्यूरा, परप्यूरा बीमारी बोलते हैं। एक बार मेरे भी स्पॉट पड़ गए थे जो, तो मैं गया तो डॉक्टर ने कहा कि देख लो प्लेटलेट काउंट का चेक करवा लो, इस वजह से स्पॉट परप्यूरा हो सकती है। तो मैंने कहा प्लेटलेट मेरे नॉर्मल है जो, तो वैसे ही हो गया था वो जो, तो परपूरा जो कंडीशन होती है प्लेटलेट कम होने से स्पॉट पड़ जाते हैं बॉडी पे। प्लेट तुम बोलो कि प्लेटलेट का साइज 3-4 माइक्रोमीटर, कई जगह 2 माइक्रोमीटर का भी लिया है, प्लेटलेट का साइज, प्लेटलेट का साइज होता है 3-4 माइक्रोमीटर। तो बोलो कि आरबीसी को आपने स्मॉलेस्ट कहा था 7 माइक्रोमीटर, ये तो आरबीसी से छोटी है प्लेटलेट, प्लेटलेट तो आरबीसी छोटे हैं, ये आरबीसी ये सेल नहीं है, सेल के टुकड़े हैं। किस सेल के टुकड़े से प्लेटलेट बनती है जो, प्लेटलेट्स आर फॉर्म due to breakdown of megakaryocyte cell, एक सेल होती है megakaryocyte, उसके टूटने से प्लेटलेट बनती है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, मेगा मतलब बड़ा, उसका न्यूक्लियस बड़ा होता है megakaryocyte का जो, मेगा मतलब लार्ज, न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है तो मेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोसाइट बड़े न्यूक्लियस की सेल है जिसके टूटने से प्लेटलेट बनती है। चलो कौन कौन से केमिकल बनाती है प्लेटलेट, सीरोटोनिन, और
सीरोटोनिन तो है ही, मैंने बताया था तुम्हारे को, चोट लगने के बाद सीरोटोनिन बनता है जो वसों का क्षेत्र है ब्लड वसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ब्लड कम बाहर आए, सीरोटोनिन ब्लड वसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा इंजरी वाली एरिया में ब्लड वसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ब्लड कम से कम बाहर आए, तो वसों का क्षेत्र है, प्लेटलेट से बनता है, ब्लड क्लॉटिंग भी कराती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना के जो है फंक्शन। ब्लड प्लेटलेट जो होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है, आज मैंने करवाया है, जिससे प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेट होता था, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन चेंज होता था, ब्लड क्लॉटिंग में काम होगा फंक्शन, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है, इसलिए नहीं ब्लड क्लॉटिंग क्यों बोल दो, अगर हमारे चोट लग जाए तो खून जमेगा नहीं, अगर प्लेटलेट नहीं होगी तो, चोट लग गई प्लेटलेट नहीं है तो, अगर चोट लग गई प्लेटलेट बॉडी में है नहीं, थ्रोम्बोप्लास्टिन दो टाइप का होता है, टिश्यू वाले को एक्सट्रिंसिक बोलेंगे और इंट्रिंसिक बोलेंगे, प्लेटलेट का थ्रोम्बोप्लास्टिन इंट्रिंसिक, बाहर का एक्सट्रिंसिक है, मैंने क्या कहा ब्लड क्लॉटिंग में कैसे काम किया, ब्लड क्लॉटिंग में कैसे काम किया इसने, ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट ने कहा काम किया गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हुआ, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, क्या प्लेटलेट नहीं होती, थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बनता तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती, नहीं हो पाती, अगर प्रोथ्रोम्बिनेज थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं है बॉडी में, थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं है, प्लेटलेट नहीं है, अगर किसी के अंदर शरीर में प्लेटलेट की कमी है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कम बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग के चांस कम हो जाएंगे, अगर किसी के शरीर में प्लेटलेट की कमी है थ्रोम्बोप्लास्टिन कम बनेगा, और थ्रोम्बोप्लास्टिन अगर कम होगा तो क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कम हो जाएगा, तो किसी को अगर किसी के शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाए थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, खून जमेगा नहीं, बहता रहेगा, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन ये बनाती है, एक्सट्रिंसिक टिश्यू से बनता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम आ रहा है, वसों का स्ट्रक्चर है, ब्लड वसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था कि ब्लड कम बाहर आए, दो काम हो गए इसके, जो क्या क्या काम बताया मैंने, सीरोटोनिन है जो वसों का स्ट्रक्चर है, प्लेटलेट ने सीरोटोनिन बनाया, वसों का स्ट्रक्चर है, ब्लड वसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम से कम ब्लड बाहर आएगा, दूसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करेगा, ब्लड क्लॉटिंग होगी, तो इस तरह से हम बोलते हैं ये प्लेटलेट होती है, इसके अलावा वो कुछ बच तो नहीं गया, इसके अलावा एक होता है थ्रोम्बोस्टेनिन, एक होता है स्पिंडल कार्पसल्स, वो देख लेता हूं क्या क्या है, एक तो है थ्रोम्बोस्टेनिन और एक है स्पिंडल कार्पसल्स, दो वर्ड है, वर्टिब्रेट में प्लेटलेट, मैमल में प्लेटलेट होती है, दूसरा वर्टिब्रेट में स्पिंडल कार्पसल बोलते हैं इनको, फंक्शन ऑफ क्या लिख देता हूं, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज परफॉर्म बाय, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज परफॉर्म बाय स्पिंडल कार्पसल्स इन नॉन मैमल्स, नॉन मैमल वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट जो मैमल को छोड़ के वर्टिब्रेट,
नॉन मेमल वर्टिब्रेट, मेमल को छोड़कर बाकी वर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, उनमें प्लेटलेट वाला काम कौन करेगा? स्पिंडल कार्पसल्स, स्पिंडल कार्पसल्स। जो काम हमारे अंदर प्लेटलेट करती है वो मैमल को छोड़कर बाकी के वर्टिब्रेट में स्पिंडल कार्पसल्स करते हैं। और ये प्रोटीन है तो प्लेटलेट के साइटोप्लाज्म में मिलती है, प्रोटीन फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट के साइटोप्लाज्म में थ्रोम्बोस्टेनिन प्रोटीन मिलती है, थ्रोम्बोस्टेनिन प्रोटीन प्लेटलेट के साइटोप्लाज्म में मिलती है। ठीक है, थ्रोम्बोस्टेनिन भी होगी और प्लेटलेट के साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक ग्रेन्यूल होते हैं, जो प्लेटलेट साइटोप्लाज्म के अंदर बेसोफिलिक ग्रेन्यूल होते हैं। जो लीशमैन स्टेज से कलर होते हैं, कैसे याद रखोगे कि बेसोफिलिक ग्रेन्यूल होते हैं और लीशमैन स्टेज से? लीशमैन नहीं होगी, लीशमैन है कौन सी स्टेन ली इसमें, जो है इसमें मिथाइलिन ब्लू लिया है, लीशमैन स्टेन नहीं है, मिथाइलिन ब्लू। कैसे याद रखेगा कि बेसोफिलिक ग्रेन्यूल होते हैं प्लेटलेट में तो मिथाइलिन ब्लू से कलर होते हैं? ये याद रख लेना, प्लेटलेट में वही केमिकल बनता जो बेसोफिल डब्ल्यूबीसी में बनता है। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी में बनते थे हिस्टामिन, हिपेरिन, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन बनता था वापस प्लेटलेट में भी सीरोटोनिन है और बेसोफिल डब्ल्यूबीसी में सीरोटोनिन है, दोनों के सेम हो गए तो दोनों में सेम टाइप के ग्रेन्यूल है बेसोफिलिक, बेसिक स्टेन से कलर होगा, बेसिक स्टेन का नाम है मिथाइलिन ब्लू, तो यानी प्लेटलेट नीले रंग की हो जाएगी मिथाइलिन ब्लू अगर उसके ऊपर डाल देंगे तो।